सच के जाओ। फर्नीचर किस्म का किराएदार आया है, साथ में रौनक ही कोई नहीं उसके। रौनक, रौनक किसको बोला है तुमने? पैसे, पैसे की रौनक भाई, देखिए ना आखिर पैसे की रौनक ही नहीं, उसके किराया नहीं देता वो। पहली बार घर में ऐसा किराएदार आया जिसके पास ना पैसे ना लड़की है। इस दफा मैं तुमसे बिल्कुल बेफिक्र होकर आराम से जाऊंगी अपने मैके। यानी आपको हम पे बिल्कुल एतबार नहीं है? नहीं, थोड़ा बहुत तो है। तभी सेठ की जो बीवी है ना जुबैदा, उसके साथ तो मैं अकेला छोड़ के जा रही हूँ। फिर जब्बार को साथ लेके जा रही हैं आप? नहीं नहीं, मेरा मतलब है देखिए ना, हमें भला उस मेमन सेठ की और ऐसे क्या ले रहे भाई, हमारा क्या ताल्लुक है उस 4'9" की 87 किलो की औरत से। इसके ऊपर से दाएं तरफ का 7वां दांत जो है ना वो टूटा हुआ है और बाएं तरफ का 8वां और 9वां दांत जो है वो पीतल का, इस पर सोने का पानी चढ़ा हुआ है। ओ, पीछे के 3 दांत हिल भी रहे हैं। अपनी उम्र 36 बता दी, जबकि शनाख्ती कार्ड के हिसाब से 47 की है और जिस्म पे बरस के दाग भी है। मेरा मतलब है कि पैरों पे बरस के दाग है, क्योंकि धरती पर पैर पे तो जिस्म पे भी होंगे। कसम खुदा की हमने आंख उठा के भी नहीं देखा उसको। मैं तो मैं अच्छी तरह जानती हूं। नहीं, आपने नहीं देखा। मैं तुम्हें नहीं छोडूंगी। नहीं नहीं नहीं, सेठ जब बात अपने सामान में छुपा के वो बेटी बेटी ले आया हमारी शादी का तो कोई आसरा हो। ₹300 तूने मेरी बैड़ी को 3 दफा झाका है, 100 रुपया फी बुरी नजर, निकाल 300 रुपया। बैड़ी मतलब? अरे जोजा जोजा जोजा, अरे घेरा तुम मेमनी के छठ, तुमको पैसा दे 300 रुपया निकाल चल। देखिए मैं आपकी जोजा नहीं देख रहा था, मैं तो आपको देख रहा था। आपको? मेरे को देख रहा था। निकाल 900 रुपया। 900 रुपये? मेरे को देखने के चार्जेस ज्यादा है, निकाल। क्यों क्यों क्यों? अगर तू मेरी बीवी को देख रहा था तो तू बद नजर है, और अगर तू मेरे को देख रहा था तो तू बड़ी नीयत है। निकाल 900 रुपये। बड़ी मुश्किल से सौदे में से 1000 रुपये बचे। मेरे पास 100 रुपये छुट्टे नहीं है, मेरी बारी को एक दफा और झांक दे, बराबर हो जाएगा। ये तो अल्लाह भला करे बाबू भाई का, उसने तेरी मुखबरी की है तब जाके मेरे 1000 रुपये की पैदा हुई है। चल जा अभी। बाबू भाई, ओए ओए, ये क्या कर रही हो तुम? नजर नहीं आ रहा, मेकअप कर रही। अपने कमरे में जाके कर, इधर किधर घुस आई है? रुखसाना, जुबान संभाल के बात करो, मुझे ये घुसने वुसने की बातें पसंद नहीं है। और हाँ, कच्चे की इलाके की जुबान पक्के में मत बोलो। ओ मेरी बात सुन, ये कच्चे पक्के के चक्कर में मुझे ना उलझा, वैसे मेरा दिमाग बहुत खराब है। निकल यहाँ से, बाबू भी मुझे बड़ा गुस्सा आया हुआ है। मैं क्यों निकलूं? मेरे बाप का कमरा है। मेकअप का सामान तेरे बाप का नहीं, मेरा है। होना तो उन्हीं का ही चाहिए था, जितना दबा के तुमने उन्हें रखा हुआ है, अब तो यही कसर रह गई है। ठीक है, बताऊंगी मैं तेरे अब्बे को कि तू उसे चूड़ियां पहना के घर में बैठने का मशवरा दे रही है। कोशिश तो तुमने वैसे यही की है, मेरी मानो रुखसाना तो यही कर लो, आधी मर तो तुम वैसे हो ही। अब्बा के कपड़े पहनो, मेकअप वेकअप छोड़ो और मोहल्ले में नाई की दुकान खोल लो। वैसे तो तुम शक्ल से काटने वाली लगती हो, खूब चलेगी तुम्हारी दुकान। अरे ऐसे मशवरा तो ये अच्छा दे गई है, मोहल्ले में कोई नाई की दुकान है भी नहीं। इनामात का खजाना लिए अब तक के तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ने को बोल तैयार है। ट्रांसमिशंस तो सब करते हैं, पर इस बार जो हम करने वाले हैं वो दुनिया देखेगी। आपकी हथेली पे दौलत की लकीर हम खींचेंगे और बनाएंगे आपके ख्वाबों को हकीकत। इस रमजान खुलेगा आपकी किस्मत का दरवाजा। लाखों नहीं, करोड़ों के कैश इनामा। गेम शो और रमजान ट्रांसमिशन का हर सेगमेंट बनाएगा आपको मालामाल। डिबेट, क्विज, नॉट कॉम्पिटिशन, गेम शोज, और पहली बार घर बैठे देखने वालों को मिलेगा करोड़पति बनने का मौका। घर बैठे आजमाएं अपना नसीब, इस रमजान चमकेगा पाकिस्तान। बुल एंटरटेनमेंट के ड्रामे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।